अस्सलाम वालेकुम, मैं मौलवी सिकंदर। और जो एक कल मामला सामने आया था भूर सिंह को लेकर, उस मामले में हमारी माननीय शिव विधायक रविंदर जी भाटी साहब से बात हो चुकी है और भाटी साहब का उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो फोटो आज से 4 साल पहले की है, जब अरविंद सिंह जी इलेक्शन लड़े थे छात्र संघ का जोधपुर में। उसके बाद वो बाड़मेर आए थे, तो उस वक्त मैं मारूडी में किसी होटल में ठहरे हुए थे, तो इस भूर सिंह लंगेरा में जाकर इनसे मुलाकात की थी। उस वक्त का ये फोटो है, अभी का कोई फोटो नहीं है। और ये भूर सिंह लंगेरा एक फ्रॉड आदमी है, ये रविंदर सिंह की बढ़ता हुआ कहर और बढ़ता हुआ क्रेज उसको ये खत्म करना चाहता है। ये साजिश के तहत उसने ये फोटोएं डालना शुरू कर दी है। बकिया उसने भूर सिंह लंगेरा ने जो गलती की विशेष समुदाय के बारे में या धर्म के बारे में, उसके खिलाफ कल हमने रामसर पुलिस थाना के अंदर FIR हमारे वफद ने दर्ज करा दी है और आचार संहिता लगी हुई है। इस मामले को प्रशासन ने हमें पूरा भरोसा और विश्वास दिलाया है कि इस मामले को हम संज्ञान में लेंगे और बहुत ही जल्द उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब कार्रवाई के आदेश जारी हो चुके हैं, हमें पूरा विश्वास प्रशासन पर रखना चाहिए, प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन इस बात पर और इस फोटो की बिना पर मैं आपको सफाई देता हूं, मौलवी सिकंदर आपकी कौम का बेटा और आपका भाई आपको ये सफाई देता है कि भाटी साहब का, रविंदर जी भाटी जो हमारे माननीय विधायक हैं शिव के, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो भूर सिंह से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसे तो भाटी साहब का आज मैं दोस्त हूं और भाटी साहब आज मेरे से मिलते हैं जुलते हैं। कल अगर मैं कोई गलत काम कर दूं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाटी साहब ने मुझे बोला कि आप ये गलत काम करो। वो तो गलती मैंने की है, उसका भुगतान मैं ही करूंगा। भूर सिंह लंगेरा ने गलती की है, गुनाह किया है, कानून के दायरे में हमने FIR दर्ज करवा दी है, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। रविंदर सिंह जी भाटी का इससे कोई लेना देना नहीं है और हम आगे निकलकर हमारे इस दीवाने को और ज्यादा मजबूत करें और 4 तारीख की नामांकन रैली में भारी तादाद में शामिल हों और इनके हौसले को और जज्बे को बढ़ाएं और इनको कामयाब करके भारत की सबसे बड़ी पंचायत में भेजें और बाड़मेर और जैसलमेर और बालोतरा की मारवाड़ी जुबान को भारत की लोकसभा में एक अहमियत दें। इसलिए हम हमारे नौजवान हाहुनार बाइज्जत माननीय रविंदर सिंह जी भाटी साहब के साथ में हैं। जय हिंद, जय भारत।